वेलकम टू आवर चैनल। तो जिन लोगों ने बिल्कुल भी अभी तक तैयारी नहीं की थी या किसी वजह से वो तैयारी नहीं कर पाए या कोर्स लिया था लेकिन उसे कंप्लीट नहीं कर पाए, तो एक लास्ट अपॉर्चुनिटी के रूप में आप लोगों को पता है कि 45 डेज का एक सीबीटी 1 के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है। उसी के क्रम में सिलेबस डिस्कशन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उन लोगों को तो एप्लीकेशन पे बहुत डेप्थ में सिलेबस को एनालिसिस करवा दिया गया है, लेकिन यहां पे भी सिलेबस को डिस्कशन करना बहुत जरूरी है कि अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी टारगेट्स फॉलो करते हैं तो आप लोगों को एक सिलेबस की समझ होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि सिलेबस एक पाथ है आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। आपका अगर पाथ अच्छा है, आपको रास्ता पता है कि कैसे कैसे जाना है, तो आपके लिए डेस्टिनेशन प्राप्त करना बहुत आसान हो जाएगा। आप डेस्टिनेशन तक बहुत आसानी से पहुंच जाओगे। लेकिन आज के टाइम में बच्चे तैयारी करते हैं और उन्हें यह नहीं पता कि मेरे सिलेबस में कौन सी चीज है, कौन सी चीज हट गई है, कौन सी चीज मुझे कवर करनी है। आज भी आप वीडियो देख रहे हैं, 90% बच्चों के पास हार्ड कॉपी में अपना सिलेबस नहीं पढ़ा होगा। क्या आपकी टेबल पे सिलेबस पड़ा हुआ है? क्या आपने अपनी दीवार पे सिलेबस लगाया हुआ है? इस तरीके से मैं आप लोगों से कहता हूं कि अपना पेयर में अभी मैं सिलेबस दूंगा, आप लोगों को ये सिलेबस भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सारी चीजें मैं समझाऊंगा भी कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, क्या है। सिलेबस को निकाल के हार्ड कॉपी में दो जगह, एक अपनी दीवार पे और एक अपनी टेबल पे जरूर से जरूर रख लें, और जो जो चीजें कंप्लीट होती जाएं उन चीजों को आप मार्किंग करते चलें कि मैंने नंबर सीरीज कंप्लीट कर लिया है, मैंने ये चीज कंप्लीट कर ली है, और इस हिसाब से आपको पता चलेगा कि आप आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है और सिलेबस डिस्कशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जैसा कि आप लोगों को पता है। तो फिलहाल तो नींद चैन को त्यागो तुम और जब तक ना सफल हो अपनी गर्लफ्रेंड से दूर भागो तुम। कहने का मतलब गर्लफ्रेंड नहीं, सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस जो भी हैं उनसे दूर रहिए। 40-45 दिन अपने आप को बंद करिए और दिल लगा के पढ़ाई में लग जाइए। चलिए आप लोगों का सिलेबस डिस्कशन करते हैं। तो सिलेबस डिस्कशन से पहले आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि यह RRB ALP है। इसकी सारी PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, जो नीचे टेलीग्राम है वहां से जाके आप देख सकते हो। और अगर आप कोर्स के अंदर हो तो आपको ये तो सिर्फ एक डेमो है, इतनी ज्यादा बेस्ट चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी और कराई जा रही हैं। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हो और मन है तो 299 रुपए की फीस कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है। अगर आप ज्वाइन होते हैं तो निश्चित तौर से उससे कई गुना ज्यादा का फायदा होगा। आदमी एक दिन की मजदूरी करने के बाद भी उन चीजों को ज्वाइन कर सकता है और अपने सपनों को साकार कर सकता है, क्योंकि सारा सिलेबस एकदम बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा बच्चे कवर कर रहे हैं और फुल एंजॉय के साथ। अगर आप लोग पीछे रह गए तो फिर पीछे रह जाओगे, कवर नहीं कर पाओगे। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप कवर कर सकते हैं, लेकिन 200 रुपए बचा के कहां जाओगे मुझे यह समझ नहीं आता। फिलहाल देखिए आप, यह हमारा सिलेबस है जो आप लोगों ने देखा। यह चलिए यहां रख देते हैं, RRB ALP CBT 1 CBT 2 CBT 3 हमारी तीन स्टेजेस हैं, CBT 1 CBT 2 CBT 3। अगर इस चीज की बात करें तो आप लोगों के 75 क्वेश्चंस एक घंटे में आपको करने होते हैं, और फिर 20 क्वेश्चंस मैथ्स के, 25 क्वेश्चंस रीजनिंग के, साइंस के 20 क्वेश्चंस, जीके जीएस के 10 क्वेश्चंस। पार्ट ए में जिसके मार्क्स जुड़ेंगे आप लोगों के सीबीटी 2 में, आप देखेंगे कि ये पूरा सिलेबस कॉमन है, यहां सिर्फ जीके हटी है। तो अगर इस जीके को निकाल दिया जाए तो बाकी सारी चीजें लगभग सेम है। बस यहां पे आपको केमिस्ट्री और बायो पढ़नी है, यहां पे आपको केमिस्ट्री और बायो नहीं पढ़नी है, क्योंकि इसके अंदर फिजिक्स का इंपॉर्टेंट रोल है और इंजीनियरिंग ड्राइंग आती है तो बायो नहीं आती है। तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि अगर आप 45 दिन मैथ्स रीजनिंग और साइंस को देते हैं तो ये पूरा का पूरा काम पार्ट ए में आने वाला है, और इसी से आप ALP की मोहर लगेगी। अगर आप इसमें अच्छे नंबर लेके आएंगे तभी आपकी मेरिट बनेगी, क्योंकि ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। ये 100 क्वेश्चंस 90 मिनट्स में करने होते हैं, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, यहां भी और यहां पे भी 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। 60 मिनट के अंदर आपको 75 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो हमारा मेनली फोकस इस पे है, और मेरा आप लोगों से कहना यह है कि आप अपनी तैयारी को इतना बेहतर कर दीजिए, इतना बेहतर कर दीजिए, एक मिनट, आप अपनी तैयारी को इतना बेहतर कर दीजिए कि यह जो पोर्शन है आप लोगों का मैथ्स रीजनिंग साइंस, ये पोर्शन इतना बेहतर हो कि जब आप सीबीटी 2 में जाएं तो आपको इसकी तरफ ज्यादा लौटना ना पड़े, सिर्फ रिवीजन से आप लोगों का काम चल जाए। आई होप कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। तो इस चीज को हमें बहुत बेहतर करना है, क्योंकि ये हमारे सीबीटी 2 में भी काम आएगा। बाकी इस चीज को अभी हम पूरी तरीके से छोड़ देते हैं, क्योंकि आपके पास जितनी चीजें पड़ी होंगी, मान लीजिए अभी बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग और ये सब, तो ये आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी, और आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो ये सब आप लोगों के लिए डिस्ट्रैक्शन है। पहले डेस्टिनेशन जो सामने है उसको पकड़िए, फिर उसके बाद आपके पास टाइम बचेगा, उस चीज को कवर करेंगे। तो मेरा मानना ये है कि अभी आप इन तीन सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा रोल
प्ले करेंगे, और सबसे ज्यादा जोर आप लोग इन्हीं तीनों सब्जेक्ट पे दीजिए। जीके एंड जीएस अगर आपका मन है तो आप पढ़िए, क्यों, क्योंकि कुछ भी नहीं कर सकते। तो देखिए मैं इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को मार्क करके बताता हूं, इस तरीके से ग्रुप डी के टाइम की है ये, ग्रुप डी के टाइम की मैंने सब बच्चों को बताया था कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टैटिक जीके के मैं अपने नोट्स प्रोवाइड कराता हूं, जो बच्चे 299 वाले कोर्स में है उसके अंदर रीजनिंग के नोट, स्टैटिक जीके के नोट्स, इतनी सारी टेस्ट सीरीज, सब कुछ कुल 299 रुपए के अंदर उनके पास अवेलेबल है। अभी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने वाले हैं, अगर किसी का मन होगा तो वो सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है। लेकिन मैं सबको सजेस्ट करता हूं कि आप गाइडेंस के अंडर में रहिए, क्योंकि गाइडेंस में मैं पल पल आप लोगों को एक एक चीज के लिए गाइड करता हूं। बाकी आपका मन है, जैसा आप करना चाहें वैसा करें। तो ये हमारा मैथ्स, रीजनिंग और इस चीज का सिलेबस है। तो हमारा मेन फोकस अभी सीवीटी 1 पे है। तो चलते हैं हम आगे, किस तरीके की चीजें हैं आप लोगों के सिलेबस में। उससे पहले ये बैच के बारे में आ गया है कि ये क्रैश कोर्स लॉन्च है, इसे लेने के क्या फायदे हैं ये आप लोगों को दिख जाएंगे। इन डेप्थ सिलेबस एनालिसिस करवाया हुआ है, बेस्ट स्ट्रेटजी एंड गाइडेंस, हैंड रिटन नोट्स, रीजनिंग के सीवीटी 1 फुल्ली सिलेबस कवरेज विद इंडियाज बेस्ट फैकल्टी, एनसीईआरटी प्लस करंट अफेयर्स की मार्किंग पीडीएफ, ऑल टेस्ट सीरीज विद अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स आप लोगों को मिलेंगी। उसमें एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज टेस्ट है, ऑल सीवीटी 1 प्रीवियस ईयर टेस्ट है, टारगेट डेज टेस्ट है, 20 से ज्यादा नहीं 30-30 लगभग मैथ्स के, रीजनिंग के, साइंस के टेस्ट हैं, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, न जाने कितनी टेस्ट सीरीज उसके अंदर है जिसका आप लुत्फ उठा सकते हैं, और वो भी कुल 299 रुपए में। आगे बढ़ते हैं, तो बैच लेने के फायदे आप लोगों को पता है, इधर उधर भटकने से बचोगे, टाइम वेस्ट करने से बचोगे, एक ही जगह पे आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएंगी, क्या पढ़ना है, किससे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सारी की सारी चीजों की नॉलेज हो जाएगी, और सारा बेस्ट कंटेंट एक ही जगह पे मिल जाएगा, कंफ्यूजन से बचे रहोगे, टारगेट के बहाने आपकी तैयारी में फ्लो बन जाएगा, एएलपी के बारे में अभी कोई डाउट हो तो जब मन चाहे क्लियर कर पाओगे, लाइव मीटिंग्स के द्वारा जुड़ पाओगे, एग्जाम तक कॉन्फिडेंस बना रहेगा। ये आप लोगों के फायदे हैं, और ये आप लोगों का बैच है, देख सकते हो आप 299। और अगर आप हमारे पास पहले कभी एनरोल थे तो 80 रुपीज का ऑफ है, जो फरवरी वाले बैच के हैं उन्हें जीएसपी 10 यूज करना है, और जो अगस्त बैच वाला बच्चा है उसे जीएसपी 40 यूज करना है, उसके लिए 40 रुपीज का ऑफ है। तो ये एक बहुत पिज्जा से भी कम प्राइस में आप लोगों को तैयारी हो रही है, और आप लोग 60-70-80 हजार रुपए की सैलरी उठाने लायक बन सकते हो, तो क्यों ना आप लोगों को तैयारी की जाए। ये सिलेबस है, लेकिन मैं आज आपको एक चौंकाने वाली चीज दिखाता हूं। ये सिलेबस तो अभी हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज देखिए आप, चलते हैं। ये देखिए सब मैथ्स के टॉपिक्स, ये देखिए रीजनिंग के टॉपिक्स, ये देखिए यहां पे साइंस के टॉपिक्स। आपने इस नजर से कभी सिलेबस को नहीं देखा होगा, जीके जीएस, ये देखिए आप, मैं इस चीज को आपके से दिखाना चाहता हूं। आपको चौंकाने वाली चीज ये पता चलेगी कि ग्रुप डी हो, एएलपी हो या टेक्नीशियन हो, इन तीनों के सिलेबस में एक भी लाइन का डिफरेंस नहीं है। रेलवे सिलेबस सबके अलग अलग देता है, लेकिन सिलेबस में लाइन सब सेम है। पेपर जब आप देखोगे तो ग्रुप डी के पेपर में सिर्फ 10th से ही सारी साइंस पूछ ली गई, 9th से नहीं पूछा गया, जबकि सिलेबस वही चीज 2018 में लिखी हुई थी, वही चीज एएलपी में लिखी हुई है, और वही चीज टेक्नीशियन में लिखी हुई है। लेकिन ग्रुप डी 2022 के अंदर ऐसा हुआ कि सिर्फ और सिर्फ कहां से क्वेश्चंस पूछ लिए गए, 10th से पूछ लिए गए। तो अब आप यहां देखिए, मैं आपको थोड़ा सा अंदाजा दिलाता हूं। सबसे पहले मैथ्स देख लीजिए, मैथ्स में पहले नंबर पे नंबर सिस्टम है, इन्होंने वर्ड भी चेंज नहीं किए हैं, ऐसे कॉपी पेस्ट होता है। देखिए आप, नंबर सिस्टम यहां है, एएलपी 2024 में ही नोटिफिकेशन से उठाया गया है, ऑफिशियल ग्रुप डी 2022 मैथमेटिकल नंबर सीरीज, दूसरे नंबर पर बोर्ड मास है, यहां पर भी बोर्ड मास है। टेक्नीशियन में देख लीजिए, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास। आगे रीजनिंग देख लीजिए, रीजनिंग में पहले नंबर पर एनालॉजी है, एनालॉजीज, यहां पे देखिए ग्रुप डी 2022, एएलपी में देख लीजिए एनालॉजी 2024, टेक्नीशियन में देख लीजिए एनालॉजी। ये पूरा का पूरा सिलेबस एक दूसरे का कॉपी पेस्ट है, लेकिन इनके डिफरेंसेस हैं इस बात में कि क्या क्या आता है अलग, किस पेपर में किस लेवल की चीजें आती हैं, तो ये हमें बहुत ज्यादा जरूरी है पता होना। तो चलिए अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे की, जिसमें हमें सिलेबस डिस्कस करना है। चलिए, ये आप लोग समझ गए हैं, इस पे आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहां आ जाते हैं। ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, अब हम चलते हैं सिलेबस की ओर। तो अगर आपका मन है तैयारी का, तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, बहुत बेहतरीन से आप तैयारी कर सकते हैं।
चलिए अब हम लोग देखते हैं पूरा का पूरा सिलेबस एक दूसरे का कॉपी पेस्ट है, लेकिन इनके डिफरेंसेस हैं इस बात में कि क्या क्या आता है अलग, किस पेपर में किस लेवल की चीजें आती हैं, तो ये हमें बहुत ज्यादा जरूरी है पता होना। तो चलिए अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे की जिसमें हमें सिलेबस डिस्कस करना है। चलिए ये आप लोग समझ गए हैं, इस पर आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहां आ जाते हैं। ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, अब हम चलते हैं सिलेबस की ओर। तो अगर आपका मन है तैयारी का तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, बहुत बेहतरीन से आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहां। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चीज को ऑथेंटिक समझिए, क्योंकि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो नीचे आपके लगे हुए हैं सेम टू सेम चीज है, बस अट्रैक्टिव करा गया है उसको, जिससे कि आपको दिखने में थोड़ा अच्छा लगे, जब आप प्रिंट निकालो तो वो अच्छा आए। तो बिल्कुल भी आप इस चीज से चिंतित मत होइएगा कि ये क्या भैया अपनी तरफ से क्यों लिख दिया है। अभी इसके अंदर मुझे चीजें ऐड भी करवानी है जो इसके अंदर लिख के नहीं दी गई हैं। तो हम थोड़ा सा जल्दी में चलेंगे, और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह की अगर आप कहोगे कहां से क्या आता है, तो वो बाद में देंगे वीडियो कि कहां से कितने मार्क्स का आता है। इन लोगों को तो बता दिया गया है बैच में पूरा एक एक सब्जेक्ट 40-40 मिनट 45-45 मिनट डिस्कस हुआ है, जिसमें सारी की सारी डेप्थ खोल के दिखाई है। अब यहां देखिए, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, तो ये एक ग्रुप है पूरा। इस ग्रुप को एक जगह रख दिया गया है, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा एक ग्रुप है जिसको हमने एक जगह पे रखा हुआ है, येलो वाला। और येलो वाले ग्रुप में सारे के सारे कैलकुलेशन से रिलेटेड चीजें हैं, जो आप देख रहे हैं ये सब कैलकुलेशन से रिलेटेड है। तो यहां का जो वेटेज है वो लगभग लगभग आप ये मान के चलिए, इस पूरे का जो ये येलो वाला है, अगर 20 नंबर का पूरा आपका मैथ्स आता है, कितने नंबर का, 20 का, तो इसका आप लोगों को वेटेज जो देखने को मिलेगा वो 3-4 नंबर के आसपास मिलेगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए नंबर सिस्टम में क्या होता है, सारी चीजें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या है। तो वो ज्यादा डेप्थ में नहीं आते हैं, नंबर सिस्टम सीजीएल का अलग लेवल का है। हमारे यहाँ नंबर सिस्टम का बेसिक्स पे बहुत काम होता है, हमारे यहाँ क्वेश्चंस इस चीज पे बहुत आते हैं कि आपने बेसिक क्लियर किया है कि नहीं किया है, आपको ये पता है कि नहीं पता है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है, हेक्सागोनल नंबर क्या होता है। ट्रायंगुलर नंबर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो ट्रायंगुलर नंबर का कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए, क्योंकि पहली बार जो क्वेश्चन देखा गया वो एएलपी में ही देखा गया 2018 के अंदर। तो ये आप लोगों के पास है नंबर सिस्टम से। तो सबसे पहले सारे नंबर्स आपको क्लिक कर लेने हैं, फिर देखिए हमारे पास बहुत फायदा है, चैप्टर वाइज टेस्ट भी है। मतलब जैसे आपने नंबर सिस्टम कंप्लीट किया, फिर आप जाके चैप्टर वाइज टेस्ट लगाइए, और उस टेस्ट को लगाने के बाद अगर आपने एक बार सॉल्यूशन देख लिए, अच्छा मैं आपसे ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि आप जाइए फ्री ऑफ कॉस्ट वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन खोलिए, उसके अंदर मैं भी दिखाऊंगा कहां से खोलिए, और उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट इतने टेस्ट अवेलेबल हैं कि देखिए अभी जाके अभी देखेंगे तो दो फुल टेस्ट फ्री मिलेंगे आपको, दो आपको हर सब्जेक्ट के दो दो टेस्ट फ्री मिलेंगे, टारगेट टेस्ट फ्री मिलेंगे हर सब्जेक्ट में, मिक्स टेस्ट जो है उनके भी दो दो टेस्ट फ्री मिलेंगे। मतलब कम से कम बता रहा हूं मैं 50-60 टेस्ट तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है उसके अंदर। तो आप जाके लगाइए एक बार और देखिए क्या लेवल है। जैसे नंबर सिस्टम है तो नंबर सिस्टम कंप्लीट करने के बाद आपको वो टेस्ट लगाना है, देखना है कि आप कहां हैं, कितने पानी में हैं, और वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं, आपके एग्जाम में आए हुए हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस हैं। तो 299 रुपए के अंदर आपको इतनी सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, और इसके बावजूद भी अगर बच्चों को नहीं समझ आता है तो वो अपनी चीज को खुद से भुगतते हैं। ये देखिए, तो ये हमने बताया, इसमें बोर्ड मास है तो बोर्ड मास से काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछता है रेलवे, जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है कि सिंप्लीफिकेशन से रेलवे के अंदर क्वेश्चंस आते रहे हैं और आते हैं। नेक्स्ट है डेसिमल्स, तो दशमलव से ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछता है वो ये वाले आप लोगों ने पूछे थे कई बार, जैसे कि बोल लेता है 3.25 पे बार, ठीक है 0.99 बार, इसकी क्या वैल्यू होगी, इस तरीके का बात क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कई बार दशमलव का जोड़ना घटाने से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हमारे यहां आए हुए हैं। आप अपने एग्जाम को बहुत बड़ा एग्जाम ना समझें, काफी आसान है अगर आपने चीजें समझ ली तो, बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। और इसे कहां से कवर करना है वो सारी चीजें मैं बताई हुई हैं गाइडेंस के अंदर, बहुत छोटे सी चीजों से आप इन चीजों को सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने मार्क्स को गेन कर सकते हैं, बहुत ही आसान है ये चीजें। अब इसके बाद है डेसिमल हो गया, फ्रैक्शंस भिन्ने, भिन्नों में क्वेश्चंस पूछ लेता है कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है, इस तरीके के क्वेश्चंस, ठीक है कौन सी भिन्न बड़ी छोटी, मतलब 3-4 भिन्ने दे देगा, पूछ लेगा इनसे, पूछेगा आरोही क्रम में लगा दो, अवरोही क्रम में लगा दो, इस टाइप के क्वेश्चंस भिन्नों के एचसीएफ एलसीएम से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
ये आगे आ गया HCF एंड LCM, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इस तरीके से अभी तो लंबी हो जाएगी वीडियो अगर मैं ज्यादा डिस्कस करूंगा, तो फिलहाल यहां पे आप देखिए ये आपके सिलेबस में है HCF, LCM, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, एज कैलकुलेशन, उम्र से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है, इसके पापा की उम्र, इसकी उम्र की आधी है और ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। तो आप समझ सकते हैं इसका भी कम से कम एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है टाइम एंड डिस्टेंस, और टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर ही रेल वाले क्वेश्चंस, इसमें अलग से लिख के नहीं दिया है लेकिन रेल वाले क्वेश्चंस इसी के अंदर इंक्लूड होते हैं, और एक क्वेश्चन आता ही आता है रेलगाड़ी से संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं कि ये किधर से गुजरी है, किधर से गुजरी, या सिंगल एक आदमी खड़ा होकर रेलगाड़ी को देख रहा था, इस तरह के क्वेश्चन, 18 सेकंड में रेलगाड़ी गुजर गई, बताओ रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ये वाली चीजें हो गई। आगे हम बात करें तो परसेंटेज है, ये जो ग्रुप है पिंक वाला, पिंक वाले ग्रुप में क्या आएगा, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SINCI, बड़ा अच्छा ग्रुप है। अगर आपने परसेंटेज सीख ली अच्छे से तो उसके बाद आपको ये चीजें भी आसान लगने लगेंगी, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो या बाकी की चीजें हो, और परसेंटेज से रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इस ग्रुप का अपने आप में। ये जो हर ग्रुप है ना, इन ग्रुप का लगभग 4-5 नंबर का वेटेज है, तो ये पिंक वाला जो ग्रुप है इसका भी 5 नंबर के आसपास का वेटेज होता है, एक क्वेश्चन परसेंटेज से, एक आध क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से, एक क्वेश्चन CI से और एक क्वेश्चन SI से आता है। CI क्या, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, SI क्या, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। अभी मैं ज्यादा डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। अगर आगे बात करें तो मेंसुरेशन में आप लोगों को बहुत ही आसानी से नंबर खींचे जा सकते हैं, क्योंकि मेंसुरेशन में हमारे यहां रेलवे के अंदर ऊपर से आपको फॉर्मूला भी अगर आते हैं सही से, तो फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाता है वो, फॉर्मूला बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो यहां से 2 नंबर तक का वेटेज कई बार आ जाता है, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी। तो 2D से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3D से थोड़े कम पूछे जाते हैं, और 3D में तो उनके लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो शंकु, बेलन, ये ही ज्यादा है, और उसके अलावा क्यूब से भी क्वेश्चन कुछ पूछ लेता है। तो ये आप लोगों के लिए हो गया। इसके बाद बात करते हैं ज्योमेट्री, झुंड बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो, आन आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो, आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो, आन आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो, आरंभ है प्रचंड। सबर और ध्यान दोनों से सुनिए, इस बार सिर्फ मजा ही नहीं, ताज्जुब भी होगा। ट्रिग्नोमेट्री की, तो ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री हमारे यहां SSC लेवल की नहीं है, हमारे यहां बेसिक है, तो आपको बेसिक इसका कवर करना पड़ता है। आपको सर्कल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता है, थोड़े आपको त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है, और सबसे ज्यादा रेलवे को आप समझिए, देखिए रेलवे को समझना बहुत जरूरी है, वो बेसिक से क्वेश्चन पूछता है आपसे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहां एंगल दे देगा, फिर आपको कुछ करवा लेगा, या इस तरीके से आपसे कुछ करवा लेगा, ऐसे करके यहां लगा देगा, आपसे पूछ लेगा इस तरीके के क्वेश्चंस, स्पर्श रेखाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस कहां है, सब 10th की NCERT के अंदर है। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। इसके बाद बात करें तो पाइप्स एंड सिस्टर्न, एलिमेंट्री स्टैटिक्स में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में हो गया, ट्रिग्नोमेट्री में ऊंचाई और दूरी से एक आध क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, और ट्रिग्नोमेट्री में जो 5 फॉर्मूलाज हैं स्टार्टिंग के, जो 10th में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा या टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इन 5 फॉर्मूलों से ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है।
ठीक है, क्योंकि ये 10th का लेवल है और 10th लेवल से ही ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं। बाकी पूछने को कुछ भी पूछ सकते हैं, वो डेप्थ में बताएंगे क्या क्या और पूछता है। एलिमेंट्री स्टैटिक्स, इसके अंदर वही है माध्यिका बहुलक, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो ये बहुत आसान वाला पोर्शन है इसके अंदर, तो मतलब ये लगा लीजिए आपने अगर 20-30 मिनट भी दे दिए तो इस चैप्टर के आप क्वेश्चंस कर पाओगे, क्योंकि इतना सिंपल है। अरे एक बार देखिए, अगर किसी को बता दिया जाए जो सबसे ज्यादा बार संख्या आएगी वो बहुलक है, जिसकी सबसे ज्यादा बारंबारता होगी वो बहुलक है, ठीक है। बहुलक का मतलब बहुलक, सबसे ज्यादा बार, ठीक है। इसी तरीके से माध्यिका है, अगर भैया तुम्हारी संख्याएं मान लीजिए 3 है तो एक इधर से काटो एक इधर से काटो, वही माध्यिका है क्रम में लगा के, उन्हें एक क्रम में लगाना, चाहे बढ़ते में लगाओ चाहे घटते में लगाओ। फिर उसके बाद अगर 4 है तो एक इधर से काटो, बीच में 2 बचे उनको आधा कर दो, इस तरीके के क्वेश्चंस करने होते हैं। फिर रेंज है, तो बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आपने समझी तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। और सब लोगों ने आईटीआई डिप्लोमा बीटेक किए हुए हैं, आप लोग कोई बेवकूफ बच्चे नहीं हो, काफी अच्छे खासे बच्चे हो पढ़ने लिखने वाले, तो बड़ी आसानी से कर सकते हो अगर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए तो, कि ये चीजें यहां से कर लो। मैं आपको लेक्चर्स तक सजेस्ट करता हूं, मैं अपने लेक्चर्स भी देता हूं कि देखिए आप यहां से कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं, आपको सारी की सारी प्रॉपर गाइडेंस मैं अपनी देता हूं, और फिर आप लोगों को सिलेबस कवर करवाया जा रहा है। तो लास्ट अपॉर्चुनिटी है, आपका मन है तो आप कंप्लीट करिए, बहुत आसान है। अगला है टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम, एक ही कॉन्सेप्ट पे दोनों चीजें चलती हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, एक ही कॉन्सेप्ट पे ये दोनों चीजें हैं, तो ये भी कवर कर सकते हैं। इसमें बस वही है, अरे ए टंकी इतने मिनट में भरती, इतने दिन में भरती है, बी टंकी इतने दिन में भरती है, ये इतने घंटों में भरती है, ए इतने दिन में काम करता है, बी इतने दिन में करता है, दोनों कितने दिन में करेंगे, दोनों सेम कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। तो एक छोटा सा लेक्चर भी आप लोगों के क्वेश्चंस बनवा सकता है, 90% क्वेश्चंस तो वहीं से फंस जाएंगे, कुछ बड़े लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। ये जो टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम है, रेलवे का फेवरेट टॉपिक है और यहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है वो। नेक्स्ट है एलजेब्रा एंड कैलेंडर एंड क्लॉक। तो देखिए एलजेब्रा तो एक अलग पार्ट है, उसका 1-2 नंबर का वेटेज अपना रहा है और पूछता ही है वहां से क्वेश्चंस, लेकिन कैलेंडर एंड क्लॉक जो है वो इसके अंदर आता है रीजनिंग का, वो रीजनिंग का पार्ट है। अब देखिए इतनी लंबी वीडियो हो जाती है डिस्कस करते करते, तो आज की वीडियो मुझे लग नहीं रहा है कि ज्यादा डिस्कस हो पाएगा, तो चलिए रीजनिंग ही डिस्कस कर लेते हैं, बाकी चीजें बाद में करेंगे और इसका पार्ट 2 भी दे देंगे। अगर आप लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, वीडियो को लाइक किया और वीडियो को शेयर किया, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि सेकंड पार्ट भी आएगा, और उस सेकंड पार्ट में आप लोगों को ये जो सारी चीजें हैं, देखिए मैथमेटिक्स का तो सिलेबस हमने अभी डिस्कस कर लिया, ये हमारा रीजनिंग का सिलेबस है, और फिर इसके बाद ये हमारा साइंस का सिलेबस है, ये देखिए साइंस का सिलेबस, और ये है हमारा स्टैटिक जीके का सिलेबस जिसके अंदर आपको सारी चीजें हैं। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिखा, तो आप समझिए कि इसकी जो पीडीएफ है वो, इसका वीडियो भी आपको कल ही मिल जाएगा, अगर रिस्पॉन्स मुझे दिखा तो इसका वीडियो कल आ जाएगा सेकेंड पार्ट, और इसकी जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को सपोर्ट बना रहे तो सारे काम हो जाएंगे बड़ी ही आसानी से। चलिए अब बात कर लेते हैं आप लोगों की रीजनिंग की। तो रीजनिंग का ये आप लोगों का सिलेबस है, थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है लेक्चर, आप लोग भी टिकते नहीं हो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो कितने भी मिनट पढ़ा सकते हैं। देखिए कोर्स में जब बच्चा आ जाता है तो चाहे वो 100 रुपए खर्च करके आया हो या 200 रुपए खर्च करके आया हो, तो उसे ये रहता है कि मैंने कुछ खर्च किया है, तो वो वीडियोस पे टिकता है। आप लोग वीडियोस पे टिकते नहीं हो तो क्यों मन करेगा किसी का करने का। तो गाइज यहां पे आप देखिए फिलहाल ये आप लोगों का रीजनिंग का सिलेबस है। रीजनिंग के सिलेबस में बात करूं तो हमारे पास सबसे पहले नंबर पर एनालॉजी है, ठीक है, और ये एक मिनट, ये एनालॉजी दे रखी है पहले नंबर पे, इसको हम देखते हैं। यहाँ से भी काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सबको आसान लगता है लेकिन काफ़ी अच्छा खासा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल नंबर सीरीज है, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, नंबर सीरीज से आप लोगों को पता है कि हर बार रेलवे में 2-3 क्वेश्चन पूछता है, और नंबर सीरीज के अंदर ही मिसिंग नंबर भी आता है। अच्छा उसके अंदर कुछ टॉपिक्स नहीं दिए गए हैं मैथ्स में भी, रीजनिंग में भी, जैसे देखो कहीं भी आप सिलेबस उठा के देखिए कहीं भी आपके अंदर वाटर इमेज मिरर इमेज नहीं दी गई है, लेकिन वाटर और मिरर इमेज से क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेगा। ऐसे ही कई कॉन्सेप्ट और हैं जहां से लिख के नहीं दिया गया है लेकिन क्वेश्चन पूछेगा, तो वो कहां से पता चलेंगे आप लोगों को। आप लोगों को चाहिए प्रॉपर गाइडेंस, और आज के टाइम में इस समय पे जब टाइम नहीं है आप लोगों के पास, तो आपको चाहिए सिलेक्टेड मटेरियल। अब एक टीचर कह रहा है कि भैया नंबर सिस्टम के 30 लेक्चर, अब कहां से कवर कर लोगे आप 30 लेक्चर। इस समय पे आपको चाहिए क्रिस्प कंटेंट जो आपको 1-2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दे, तब जाके आपका काम होगा और उसमें भी आप लोगों का काम हो जाए, ऐसी चीजें चाहिए आप लोगों को, तो वो कहां से मिलेंगी।
घर बैठ के थोड़ी मिलेंगी, जब आप लोग कहीं जुड़ोगे, कोई आदमी गाइड करेगा तभी ना मिलेंगी। तो आप लोगों को समझ ही नहीं आता है, कितनी बार बता चुके हैं, लेकिन बच्चों को लगता है मेरे 200 रुपए मेरी जेब से जा रहे हैं। जिस दिन आप 200 रुपए लेके खड़े हो गए और दो नंबर बढ़वाने की बात करोगे ना, 2 लाख रुपए, मैं कह रहा हूं 2 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए लेके खड़े हो ना, रेलवे से कहना मेरे दो नंबर बढ़ा देगा क्या, बता देंगे। और मैं इससे आप प्रॉमिस कर रहा हूं कि आप ये 45 दिन करिए, दो नंबर छोड़िए, 20-20 नंबर 25-25 नंबर बढ़ा लोगे आप, अगर दिल लगा के आपने तैयारी की। तो यहां पे देखते हैं, ये है कोडिंग एंड डिकोडिंग। यहां से तो आप लोगों को पता है बेसिक है, और कोडिंग डिकोडिंग से एक आध क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा ही जाना है, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। क्लोक से जो सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, क्लोक और कैलेंडर में, क्लोक में सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन वही है कि दो सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, इतने बज के इतने मिनट पे, या फिर आप ये बताइए 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का कोण दोनों सुइयों में जब बनेगा तो कितना टाइम हो रहा होगा। इस तरह के क्वेश्चंस यहां पे पूछते हैं सबसे ज्यादा, बाकी पूछा तो कुछ भी जा सकता है। और इसके अंदर ही कैलेंडर भी आता है, और कैलेंडर में रिपीटिंग कॉन्सेप्ट कि रिपीट कैसे होता है कैलेंडर, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी कभी कभार क्वेश्चन हो जाता है कि प्लस को माइनस कहा जाए, इसको इसको ये कहा जाए, तो कैसे क्वेश्चंस होंगे इस टाइप का। रिलेशनशिप से, ब्लड रिलेशन से आपको क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। रिलेशनशिप का मतलब होता है ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध से रिलेटेड क्वेश्चंस। सिलोजिज्म से क्वेश्चंस, रेलवे 2018 में काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए थे, वही वाला कि सारे केले आम हैं, ये है, इस टाइप का क्वेश्चंस इसमें होते हैं। जंबलिंग, देखो जंबलिंग में क्या है, जंबलिंग में बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर। जैसे कि मान लो इस लेटर से के निम्नलिखित में कौन से एक यूजफुल अक्षर बनाया जा सकता है, एक लेटर दे देगा, उससे कहेगा दूसरे तीसरे चौथे शब्द को मिला के बताओ कौन सा एक डिक्शनरी वाला वर्ड बनना है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो जंबलिंग में आते हैं, और भी कई टाइप इसके अंदर आते हैं। वेन डायग्राम से क्वेश्चंस पूछता है आप लोगों से, वेन डायग्राम के क्वेश्चंस हैं, वेन डायग्राम पता ही होगा आपको, डेटा इंटरप्रेटरशिप एंड सफिशिएंसी, ये दे दिया है लेकिन यहाँ पे ये है नहीं। इसमें आप लोगों से वही गले क्वेश्चंस पूछता है कि कोई कथन दे देगा और फिर आपको नीचे निष्कर्ष में आंसर पूछेगा, कहेगा कि बताओ ये जो ऊपर दो चीज़ें हैं और फिर इसके बाद नीचे एक कथन दिया है, वो दो कथन दिए हैं और फिर निष्कर्ष दिया है, क्या इन दोनों कथनों से ये निष्कर्ष निकल सकता है, क्या ये डेटा पर्याप्त है या नहीं है, तो आपको बताना होगा कि वो पर्याप्त है या नहीं है। सिटिंग अरेंजमेंट आप लोगों का है, जो 2018 में इंपॉर्टेंट नहीं था, नहीं पूछे गए थे क्वेश्चंस, लेकिन अभी के लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। कंक्लूजन्स एंड डिसीजन मेकिंग, अगर इसकी बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग और स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते टॉपिक्स हैं, ठीक है। इन दोनों ये सब एक साथ रखे जाएंगे। अजम्पशन, देखिए स्टेटमेंट एंड अजम्पशन आपको बहुत डिफिकल्ट लगता होगा, लेकिन जब मैं आप लोगों को इसे करवाऊंगा तो आप एक सिर्फ डेफिनेशन 20 मिनट की वीडियो में आप लोग इनमें सब में डिफरेंस कर पाओगे और फिर कितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट है एनालिटिकल रीजनिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज आपको पता ही है, कुछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त 3 अक्षरों के समान है, 4 ऑप्शंस दे देगा। ऐसे डिफरेंट में निम्नलिखित में से विषम को चुनिए, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेता है। एनालिटिकल रीजनिंग हो गई, क्लासिफिकेशन हो गया। डाइस आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी बनती है कि क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। डायरेक्शन आपसे क्वेश्चन आता ही आता है, 1 से 2 क्वेश्चंस 100% डायरेक्शन से आएंगे, ये बात समझ लीजिए, आपको ले जाएगा उत्तर की दिशा में। तो 2 तरीके के क्वेश्चन पूछता है कि लास्ट में डिस्टेंस निकलवा लेता है कि कितनी दूरी पर है वो अपने घर से, कितनी दूरी पर है, और या दूसरे क्वेश्चन में आपसे डायरेक्शन पूछता है कि बताओ किस डायरेक्शन में है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, इसके अंदर रैंकिंग लिख के नहीं दिया गया है, लेकिन वो आपके सिलेबस का एक पार्ट है रैंकिंग। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि अगला भी पार्ट आए इसका, क्योंकि ये पार्ट हो गया लंबा और YouTube पे इतने बच्चे टिकते नहीं हैं, कोर्स में तो टिकते भी हैं, तो आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए सबके सब, और कमेंट करिए कि हाँ सर नेक्स्ट पार्ट आना चाहिए। अगर आप कहेंगे, रेस्पॉन्स अच्छा दिखेगा, तब मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा। और अगर अभी भी आप सोच रहे हैं कि भैया मैं क्या करूं क्या ना करूं, कोर्स में जुड़ूं या ना जुड़ूं, तो ये आपकी बहुत गलत सोच है। आप जिस नौकरी से 1 लाख रुपए 60,000 रुपए 70,000 रुपए कमाने वाले हो, अभी तो 8th पे कमीशन लग जाएगा 26 में, तो आपको और ज्यादा दुख होगा जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा और आपके दोस्त का सिलेक्शन हो गया होगा। तो अपनी पढ़ाई में 200-300 रुपए खर्च करने में क्यों शर्माते हो, मुझे ये समझ नहीं आती। कहां जाओगे उन 200 रुपए को बचा के, एक शर्ट कम पहन लेना, एक टाइम कम खा लेना, लेकिन अपनी पढ़ाई को दो। अब्दुल कलाम जी की लाइन याद रखो कि भले ही आप हाथ थाली नहीं है तो हाथ पे रख के खाओ, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। इन चीजों का ध्यान रखिए। अभी आपको इस चीज की वैल्यू नहीं समझ आएगी, जिस दिन समझ आएगी गाइडेंस की वैल्यू, उस दिन आप लोग पछताएंगे। आप कहेंगे कि भैया मैं क्लास कर लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।